दोस्तों आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन अब केवल 3 दिन और दूर है और हम सभी को 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम आरसीबी के बारे में। आकाश चोपड़ा ने टीम आरसीबी की मेगा ऑक्शन की स्ट्रेटजी बताई है और साथ में ये भी बताया कि आरसीबी की टीम किन किन खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन में टारगेट करेगी। तो अगर आप लोगों को जानना है कौन कौन से है वो खिलाड़ी, पूरी लिस्ट अगर आपको जाननी है तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहाँ पर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और 160 प्लस गेम्स खेलकर लाखों और करोड़ों रुपए जीत सकते हो। 85 से ज्यादा ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है और इसमें आपको 24/7 विड्रॉ का ऑप्शन भी मिलता है। इसके साथ ही आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी नीचे दिए गए पिन कमेंट से आप लोग इन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए। दोस्तों कमेंट में दिए गए रेडी अन्ना के टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करने पर आपको बोनस मिलेगा, तो आप लोग अभी रेडी अन्ना से कांटेक्ट करें और अपना बोनस प्राप्त करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले टीम आरसीबी ने काफी सारे मॉक ऑक्शंस करे हैं और इसके साथ ही फैंस से भी सजेशन लिए हैं कि आरसीबी की टीम को किन किन खिलाड़ियों को शामिल करना चाहिए। अब बात कर ले मैं यहाँ पे आकाश चोपड़ा की, जिन्होंने बताया कि आरसीबी की टीम किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी और आरसीबी की टीम की क्या मेगा ऑक्शन में स्ट्रेटजी रहेगी। तो सबसे पहले आकाश चोपड़ा ने बताया कि आरसीबी की टीम जिन ओपनर को शामिल करेगी उसमें 4 नाम टारगेट करेगी। पहला नाम है डेविड वॉर्नर, दूसरा नाम है क्विंटन डिकॉक, तीसरा नाम है जॉनी बेस्ट और चौथा नाम है जेसन रॉय। एक तरफ से विराट कोहली होंगे जो कि आरसीबी की टीम की तरफ से ओपनिंग करेंगे और वहीं दूसरी तरफ आरसीबी की टीम को एक गन ओपनर चाहिए, जिसके लिए आकाश चोपड़ा ने आरसीबी की टीम के लिए ये 4 नाम सजेस्ट करे हैं। इसके साथ ही आकाश चोपड़ा ने यह भी बताया कि शायद मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम पडिक्कल को टारगेट नहीं करेगी। आरसीबी की टीम चाहेगी कि विराट कोहली जो कि डिफेंसिव बैट्समैन है उतने अग्रेसिव बल्लेबाजी नहीं करते हैं, तो आरसीबी की टीम चाहेगी कि दूसरी तरफ एक ऐसा बल्लेबाज आए जो कि एग्रेसिव बल्लेबाजी कर सके, लेकिन पडिक्कल उस तरीके के बल्लेबाज नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आरसीबी की टीम शायद मेगा ऑक्शन में पडिक्कल पे बिडिंग नहीं करेगी और जो 4 नाम मैंने आप सभी को पहले बताए हैं उन्हें कोई आरसीबी की टीम टारगेट करेगी। इसके बाद नंबर 3 के लिए टीम आरसीबी को कोई इंडियन बल्लेबाज चाहिए, तो यहाँ पे आकाश चोपड़ा ने 3 नाम सजेस्ट करे हैं। पहला नाम है नीतीश राणा, दूसरा राहुल त्रिपाठी और तीसरा नाम है ईशान किशन। ये 3 नाम यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने सजेस्ट करे हैं जिनको आरसीबी की टीम नंबर 3 के लिए शामिल कर सकती है। इसके बाद हम लोअर मिडिल ऑर्डर की बात कर ले तो यहाँ पर आकाश चोपड़ा ने बताया कि जेसन होल्डर को आरसीबी की टीम यहाँ पे जरूर टारगेट करेगी और उन्हें तो ऐसे भी लगता है कि आरसीबी की टीम शायद इन्हें कप्तानी भी दे दे। इसके अलावा मिचेल मार्श एक ऑप्शन हो सकते हैं और इन्हीं 2 खिलाड़ियों पर आरसीबी की टीम की ज्यादा नजर रहेगी। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है आरसीबी की टीम इनमें से किन किन खिलाड़ियों को शामिल करने वाली है और आप लोग किन खिलाड़ियों को आरसीबी की टीम के स्क्वाड में देखना चाहते हो, आप लोग कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और मेगा ऑक्शन से पहले आने वाली सभी न्यूज और आरसीबी की टीम की सभी अपडेट्स आप सभी को सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके।